पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला सोमवार को निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला एम्स परिसर में बने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का दौरा किया, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने वाले कमरों, लैब रूम और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, साथ ही कार्यरत अधिकारियों से जानकारी हासिल की। तदुपरांत पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला एम्स में चल रहे ओपीडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाकर रजिस्ट्रेशन फीस ₹20 जमा किए। इस दौरान उन्होंने ओपीडी चैम्बर में जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की और दवा कराने आए पेशेंट और तीमारदारों से मेडिकल सुविधाओं के बारे में बातचीत किया। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी माहौर, उप निदेशक प्रशासन एनआर बिश्नोई सहित एम्स प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। को एग्जामिनेशन सिखाते हैं सो दैट जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट में तो हाँ कैसे बेसिक एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री कैसे लेनी है और आगे कैसे पूछना है, पल्स कैसे लेना, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, देन पैलर कैसे देखना है, तो वो हमारा लैब है। इसलिए हमारे पास एग्जामिनेशन काउचेस हैं, बच्चों के लिए चेयर्स हैं, धीरे धीरे हमारे इक्विप हो रहे हैं लैब, तो हम सारे यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह लगा देंगे। बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हमने अंदर रख रखे हैं बच्चों ने, तभी फिलहाल 4-5 एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ पे कर लिए। फर्स्ट बैच है भी आपका? फर्स्ट बैच है, फर्स्ट एग्जाम है। सर हमारी लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर जो खून की या यूरिन की जो जाँच होती है वह हम लोगों से होती है, तो हम लोग पहले जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस चलती है फर्स्ट ईयर में, तो हम बताते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करने, किस तरीके से करने, उनका प्रोटोकॉल क्या है, वो सब बताते हैं। जैसे यूरिन में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, बाइलरुबिन है, ये सारे टेस्ट, फिर इसके अलावा एंजाइम एनालिसिस और ब्लड में भी यही सारे पैरामीटर्स की, तो इंट्रोडक्शन टाइप का होता है MBBS फर्स्ट ईयर में। बाद में जो एमबी में जो बच्चे आएंगे आप कहाँ से अपना पास आउट किया है? मैं अलीगढ़ की हूँ सर, लेकिन यहाँ मैं जी एम्स जोधपुर से आई हूँ। एम्स जोधपुर से तो मैं ये था कि रिमर्जन पहले करा लें, ताकि हो सकता है कई सर कहते थे आयुष्मान भारत का पता उसी में आएगा, कोई लोग कहते थे आयुष्मान भारत तभी 4 करोड़ का जब आपके बाद बहुत सारी रूमर्स, लेकिन धीरे धीरे अभी खत्म हो गया है, आप लोगों के अंदर खुद ही जागरूकता पेपर में भी जा रहा है, हाँ बिजली हो भी जा रहा हूँ, पहले रश रहता था बहुत ज़्यादा। हमारा कमरा नंबर 1 मुसाफा बना रीड्स READS रीड्स धर्मशाला गोरखपुर रूम नंबर 1 या बंगला नंबर 1 2 बंगला नंबर 2 आधार जरूरत नहीं।
प्रमोशन हुई है फॉर सर अंदर से ले रहा हूँ सर। ये हमारे मिस्टर अविनाश श्रीवास्तव जी यही ओपीडी का पूरा अभी लेंगे भाई। ये 20 रुपये हमारे ले लीजिए सर। ये अब आपका रोज कार्ड ये है आप भी देखो। अरे सर अच्छा आप बड़ा ये मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे हाँ वो सबसे बेहतर जो आपका साइज का होता है ना सर हम उसी साइज का ये साइज हाँ ठीक है। अगर किसी को पूछते हैं समस्या हो तुरंत यहाँ पे आ गया क्या हो गया जैसे ही लिखा कि मैं किस डॉक्टर को दिखाना है उसका नाम आता है किस तरह पेशेंट का नाम एंड डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से कोई जबरदस्ती न्यूज ना करें। हमने पूरी कोशिश की है कि किसी पेशेंट को कोई परेशानी कहाँ से हैं आप? हाटा। क्या नाम है आपका? रामायण वर्मा। रामायण यहाँ कौन डॉक्टर देखते हैं आप? ये नहीं बता सकते हैं लेकिन सर वो पर्चे में देखिए पहली बात तो ये कि आज पूरी तौर पर मैं यहाँ का निरीक्षण किया हूँ बिल्डिंग से लेकर करके डॉक्टर्स और उसके बाद मरीजों से पूछताछ भी किया है। मुझे लगता है कि जितने कम समय में गोरखपुर एम्स इस तरह से ओपीडी के लिए तैयार हुआ है वह उसे पूरी तौर पर सेटिस्फाई है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और जब वो सब हो जाएगा तब ज़रूर वो और अच्छी तरह से काम करे क्योंकि अभी यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। माइनर ऑपरेशन भले हो लेकिन जनरली मतलब लोकल एनेस्थीसिया से जो हो सकता है वही हो सकता है बड़े जिसके लिए शून्य करके जनरल एनेस्थीसिया देना पड़े वो नहीं है वो भी कुछ दिनों में अपना तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज मैं अपने को मैं समझता हूँ कि सेटिस्फाई महसूस करता हूँ कि नहीं जितने समय में होना चाहिए था उससे अधिक हुआ है और डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत कर करके यहाँ के काम को पूरा किया है। देखिए आबादी को तो नहीं कहा जा सकता है कि कितनी आबादी होगी इतना जरूर कि प्रदेश की बात कर सकते क्योंकि मुझे बिहार का भी मरीज मिला छपरा का भी मिला है और गाँव का मिला है तो इस नाते आबादी का आकलन उससे नहीं किया जा सकता है। यह एम्स खुला ही इसी नाते कि नेपाल पश्चिम बिहार और ईस्टर्न यूपी इसको ये कवर कर सके और मुझे लगता है कि जब पूरी तौर पर ये तैयार हो जाएगा तो इसको पूरा कर लेगा। मेडिकल कॉलेज में उसके लिए अलग से फैकल्टी ऑलरेडी हो चुकी है और फैकल्टी भी आ गए हैं तो उसके नाते कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई बहुत हो तो स्पेशलाइजेशन की स्थिति होगी तो एम्स ज़रूर उनको मदद देगा।